आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 11वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज़ वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स गिवन बाई जोन वेन, ये इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने वेन डायग्राम्स को दिया था, दुनिया के सामने लेके आए थे। वो क्या कहता है कि जितने भी हमारे सेट्स हैं उनके आपस की जो रिलेशन है, मोस्ट ऑफ द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स चलिए देखते हैं कैसे। मैं कोई सेट लेता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने यू नाम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट हमने इसमें दिखा दिए, ठीक है। ये हमारा डायगोनल से, सॉरी रेक्टेंगल से हम किसको दिखाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट को, ये वेन डायग्राम है हमारा। अब अगर इसका कोई सबसेट है, लेट ए मैं मान लूँ, ए सेट ले लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये ले लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया, ये इसका सबसेट है इसी के अंदर, तो ये ए जो है यूनियन का क्या हो गया, सबसेट। तो हम यही बात कह रहे थे कि जितने भी रिलेशंस हैं सेट के बीच में, वो हम मोस्ट ऑफ देम वी कैन रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम्स। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। बी मैंने सेट ले लिया 3, 4, 7, 9 एंड 10। 3, 4, 7, 9, ए मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी सेट है 3, 4, 7, 9, 10। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन जो है वो इससे डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी। यूनियन क्या होता है, यूनाइट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, मतलब वो सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे लिखना ही हमारे पास क्या है, उनका यूनियन है। तो ए यूनियन बी की जो डेफिनेशन बनती है, ए यूनियन बी की जो डेफिनेशन बनेगी, दैट इज एक्स सच दैट, मतलब एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में होगा, वेयर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, या तो वो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। जैसे हम ए यूनियन बी यहाँ पे मैं लिखूँ, तो यहाँ पे मेरा ए यूनियन बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ए वाले सारे लिख लिए। अब बी वाले जो पहले आ चुके हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक ही बार लिखना, हमने 3 हो गया, 4 हो गया, देन 5 उसका था, 7, 9, 10, बड़ा सिंपल सा है ए यूनियन बी, इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दीजिए, दिस इज ए यूनियन बी, आसान है। चलिए अब हम यूनियन ऑफ सेट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन वो करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कोमिटेटिव लॉ। कोमिटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट लिख लेते हैं हम इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सबसे पहले क्या बोला मैंने, कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर हमारे पास हम ए का बी के साथ यूनियन लें, या फिर पहले बी ले लें उसके बाद यूनियन ए के साथ लें, तो वो हमेशा इक्वल आएगा।
एक पहले अगर मैं ये लिख देता 3, 4, 7, 9, 10 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 लिखता तो हमारे पास सेट तो वही बनता, इसमें तो कोई डिफरेंट एलिमेंट तो आता ही नहीं। सो दिस इज अवर कोम्यूटेटिव ला। इसके बाद होता है एसोसिएटिव ला, सेकंड इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर हमारे पास तीन सेट हैं, मींस ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले दो सेट का यूनियन लेके फिर तीसरे के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं, या फिर बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन लेके फिर उसके बाद ए यूनियन करें, तो वो हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने ए सेट ले लिया 1, 2 और बी सेट ले लिया मैंने 2, 4, 5 और सी सेट ले लिया मैंने 1, 5, 6। तो हम चेक करें ये होता है कि नहीं होता है। ए यूनियन बी लूँ मैं पहले, ए यूनियन बी क्या बनेगा मेरा, ए यूनियन बी 1, 2, 4, 5 ये बना एक। इसके बाद ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ है, सी का, इसका इसके साथ यूनियन 1, 2, 4, 5 एंड 6 यही तो बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमें ये इसके प्रूव करना है, पहले मैं लूँ बी यूनियन सी, बी और सी को आप इनका यूनियन लेते हैं तो 1, 2, 4, 5, 6 ये बन गया इन दोनों का यूनियन। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी लें तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ यूनियन, तो क्या बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 6। अब ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, 1, 2, 4, 5, 6 तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है, बड़े आसान है, बहुत आसान है। थर्ड, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अब ध्यान दें, अगर हम एक ऐसा सेट ढूंढना चाहते हैं किसी भी सेट में जोड़े तो वही सेट आए, अगर मैं ए सेट के साथ यूनियन लूं तो उतना ही आए, ऐसा कौन सा हो सकता है। अगर इनके अलावा आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, इसके इसे अलग कोई सेट बन जाएगा। सो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है कि ए यूनियन फाई, फाई जो सेट है हमारा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, या फिर फाई यूनियन ए, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। और जो फाई है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी के बाद अब हम करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी सेट का अपने ही सेट के साथ जो यूनियन होगा वो क्या होगा, इटसेल्फ, ए यूनियन ए इज ए, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया ये। अब लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन, अगर हम इसका और इसका यूनियन लें, ए और यू का इसका यूनियन, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके अंदर ही हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मींस ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, दैट इज यू ही आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ हमारे पास क्या बनेगा, यू बनेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनियन। बड़ा आसान सा था, हाँ, ये हमने जो किया है ये क्या किया हमने, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इसके ऑपरेशंस किए हैं। चलिए अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट करने से पहले मैं आपको वेन डायग्राम से इसका जो यूनियन है वो बता देता हूँ कैसे होगा। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो सर्कल से हम कर देते हैं, दिस इज अवर ए,
एंड दिस इज अवर बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने एलिमेंट्स सही तरीके से दिखाने हैं, ये हमारा सेट बी हो गया। ए में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे ये लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि जो कॉमन है वो दोनों में एलिमेंट्स यहाँ पे दिखा सके। इनमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 और 4, तो 3 इधर एंड 4 इधर। यहाँ और क्या क्या बच गया, 1 बच गया 2 बचा और 5 बच गया, 1, 2, 5। इसमें क्या क्या बचा, 3, 4 आ गया, 7, 9, 10। ये हमारा वेन डायग्राम से ए यूनियन बी दिखा दिया। और अगर हम बात करें इसके बाकी जो एलिमेंट्स के हैं, हमारे पास क्या क्या इसमें क्या नहीं है, 1 6 नहीं है 1 8 नहीं है, ये हमने अलग से ले लिया, ठीक है, 6 और 8 एलिमेंट्स, क्योंकि पूरा यूनियन सेट हमने क्या लिया था, 1 से लेके 10 तक। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन किस, जैसे हमने यूनियन को ऐसे डिनोट किया था, इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बनता है हमारा, उसके एलिमेंट एक्स सच दैट, ये जो सिर्फ ये पार्ट है ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। अगर मैं पूरे की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की, देखिए हल्का सा यहां पे बना के दिखा रहा हूं, ये और ये, ये हमारा जो शेडेड पार्ट है ये हमारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। अगर हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है तो हमारा सिर्फ जो ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी है, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब ए इंटरसेक्शन बी सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे, एलिमेंट वही होंगे जो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करेंगे और जो बी में भी बिलोंग करेंगे। अब ए और बी में जो बिलोंग करेंगे वो कहाँ पे, ये 3 और 4, ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, वेन डायग्राम से हमने ये दिखा दिया, ठीक है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यूनियन में क्या था, एक्स बिलोंग टू ए, और या तो इसमें बिलोंग करें या फिर इसमें बिलोंग करें, दोनों में से किसी में भी बिलोंग करेगा, वो हमारे पास ए यूनियन बी में था, बट यहाँ पे दोनों में ही बिलोंग करना चाहिए। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन भी करनी है, चलिए वो भी कर लेते हैं। जैसे इंटरसेक्शन की, सॉरी इंटरसेक्शन की है, यूनियन की नहीं है ये, इंटरसेक्शन करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन। पहले की तरह जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही हमारे पास कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो वही इंटरसेक्शन बी का ए के साथ होगा। अगर मैं इसको पहले लिख लूँ, इसको बाद में ड्रॉ कर दूँ, तब भी हमारे पास ये आएगा, या मैं पहले इसको ड्रॉ कर दूँ फिर इसको ड्रॉ कर दूँ, तब भी हमारे पास 3 और 4 ही आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव। इसके बाद होता है सेकेंड वन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो में क्या कहता है कि हमारे पास अगर हम 3 सेट लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी लेके फिर हम इंटरसेक्शन सी लें तो वो किसके इक्वल होगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेके तब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। कोई सेट लेके चलते हैं हम, मान लीजिए ए ले लिया मैंने 1, 3, 5, 7, बी सेट ले लिया मैंने 2, 4, 5, 7 और सी सेट ले लिया मैंने 5, 8, 9, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इनमें क्या कॉमन हुआ, 5 और 7 यही होगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, इसका और इसका इंटरसेक्शन में क्या हुआ हमारे पास, ओनली 5 कॉमन आया, ठीक है। या फिर इसके बाद हमने ऐसे करेंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं पहले, बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा हमारा, बी को और सी को इंटरसेक्ट किया हमने तो क्या बना हमारा, 5 बना। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको और इसमें जो हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 5, मीन्स ये दोनों क्या हो गई, इक्वल। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ में अगर हम किसी भी सेट का इसी खुद के सेट के साथ ही अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो वही सेट आ जाएगा। मतलब ए को ए के साथ ही अगर हम इंटरसेक्शन ढूंढें, उनके कॉमन एलिमेंट्स ढूंढें, तो हमारे पास तो वही तो सेट आएगा, सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ फाई, इसके बाद है लॉ ऑफ फाई। फाई मतलब एम्प्टी सेट। अगर आप इसको, ये फाई, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके और इसके इंटरसेक्शन को लेना चाहेंगे, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा वहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन फाई इज 5, हमेशा कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो 5 होगा। ऐसे ही अगर हम 5 इंटरसेक्शन ए लें तो यहाँ पे भी हमारे पास से कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 5 या एम्प्टी सेट है। इसके बाद लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ। अब मैं कहता हूँ आप इसमें और इसमें अगर हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हों तो सारे के सारे यही तो आएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट सारे इसके अंदर हैं। मीन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन यू दैट इज ए, वही तो आएगा, वही सेट आ जाएगा सारा का सारा। या फिर हम इसको कह सकते हैं यू इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो हमारे पास यही होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑफ यू के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है कि जो इंटरसेक्शन है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए इसके इस एग्जांपल के ऊपर हम इसको चेक करके देखते हैं। मुझे पहले चाहिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी अगर मैं लूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 2, 4, 5, 7, 8, 9। इसके बाद मैं ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या बनेगा, इसका और इसका, ये हमारा बना इंटरसेक्शन लेना, इन दोनों में कॉमन, कॉमन क्या क्या है हमारे पास, एक 5 एक 7 है, देन 5, 7 इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये सेट बन गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, 5, 7 है, ए इंटरसेक्शन बी 5, 7। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ओनली 5 है, ठीक है, लिख लिया। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज क्या हो जाएगा, इन दोनों में अगर हम यूनियन लेते हैं तो 5, 7 विच इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जो इंटरसेक्शन है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इंटरसेक्शन किसके ऊपर, ओवर यूनियन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसी में देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे करेंगे हम। डिफरेंस ऑफ सेट्स में
हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट, अगर मान लीजिए मुझे a माइनस बी निकालना है, डिनोटेड बाई a माइनस बी, a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट, यहां पे इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग टू a, वो एलिमेंट a में तो बिलोंग करेगा बट x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे बात करें जो ये वाला है 1 2 5, ये हमारा a माइनस बी होगा, डिफरेंस ऑफ सेट है हमारे पास यहां पे। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज a माइनस बी, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज b माइनस a। ठीक है, b माइनस a अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखूंगा कि y सच दैट एलिमेंट y बिलोंग टू b बट y डज नॉट बिलोंग टू a। तो बड़ा आसान है, जितने भी हमने ये ऑपरेशंस का मैंने अभी आपको ये बताया कि जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस थे, हमारे पास यहाँ पे क्या था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था और डिफरेंस ऑफ सेट्स था। ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 के लिए सारे ही क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो इस वीडियो में, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।